नेता सुशील गुप्ता अपने पैतृक गांव शामलो कला पहुंचे। पंचायत घर में की कार्यकर्ताओं से बैठक। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। हरियाणा में नशा अपराध बढ़ता जा रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर है। बीजेपी ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों में जहर घोलने का काम किया है। हर वर्ग का कर्मचारी तानाशाही झेलने को मजबूर है। हरियाणा में व्यवस्था बदलने की सख्त जरूरत है। मैं प्रदेश की आवाज बनकर संसद में जोरदार तरीके से रखूंगा। देश की संसद से हरियाणा के हिस्से का हिसाब लेकर आऊंगा। आज मैं अपने पैतृक गांव शामलो कला के अंदर आया हूं। यहां से आधे घंटे के रास्ते पे मेरी लोकसभा का कार्यक्षेत्र शुरू हो जाता है। गांव में दादाखेड़े का हाथ जोड़ने आया हूँ, मारली माता का हाथ जोड़ना, सबके हाथ जोड़ने के लिए आया। और गांव जो मेरी जन्म भूमि पे, जहाँ से प्यार मुझे और मेरे परिवार को हमेशा मिलता रहा, बिना किसी राजनीतिक बात के अपने गांव से मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से नशे का कारोबार फलीभूत हो रहा है, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, कहीं सरपंच को गोली मारी जा रही है, कहीं किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मारी जा रही है, कई कई गोलियां चला के व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। हरियाणा के अंदर अब लोग पलायन की बात सोचने लगे हैं। जो हरियाणा, जहाँ हर जाति और धर्म का आपस परी में काका ताऊ का रिश्ता होता था, गांव का बटेऊ हर घर का बटेऊ माना जाता था। अगर बारात आती थी तो हर घर से दूध का गिलास आता था और हर घर के अंदर एक बिस्तर का प्रबंध होता था कि बारात जाके वापस हो। आज इस भारतीय जनता पार्टी ने वो जहर बो दिया है कि लोग ये सोचने लगे कि शादी में भी पड़ोसी को बुलाए या ना बुलाए। ये स्थिति हरियाणा के अंदर कभी नहीं होती थी। जाति और धर्म का जो जहर इस खट्टर सरकार ने यहाँ पे बो दिया, अब इसको धक्का मारने का समय आ गया। और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई के माध्यम से तंग किया जा रहा है, जिस प्रकार मनरेगा मजदूरों का बुरा हाल किया गया है, जिस प्रकार से सरपंचों के अधिकारों को कटौती कर दी गई है, जिस प्रकार से हर वर्ग के सरकारी कर्मचारी को तानाशाही बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से 24-24 घंटे के बिजली के कट रहते हैं, कई कई साल तक बिजली का कनेक्शन ट्यूबवेल का मिलता नहीं है, इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने की ज़रूरत है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इस प्रदेश की आवाज़ बन के भारत की संसद के अंदर जोरदार तरीके से पेश करूँगा। हरियाणा की एक एक समस्या देश की संसद के अंदर रखूँगा और देश की संसद से हरियाणा के हिस्से का हिसाब लेकर आऊँगा। हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, हरियाणा के अंदर नए उद्योग लेकर आएंगे, हरियाणा के युवाओं के रोजगार का प्रबंध करेंगे और भारत की संसद के अंदर गूंज गूंज के हरियाणा के अधिकार को हम सुरक्षित करेंगे। गुप्ता जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने आपको, जहां से नायब सिंह सैनी आप सांसद हैं कुरुक्षेत्र सीट से, उतना डबल मार्जिन से उनका और जीत का अंतर है, 3 लाख वोटों से ज्यादा का अंतर है, उसको कैसे? जितने लाख वोटों से जीते थे उससे डबल से हारेंगे, ये कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे विश्वास दिया। सांसद जी, पार्टी ने आपको रणभूमि का योद्धा बना दिया, तो जो कुरुक्षेत्र की धरती है, धर्मपुर नहीं रही है, किस तरह का हुआ आपका? धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था और युद्ध क्षेत्र के बाद जो 18 दिन युद्ध चला, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जहाँ पे अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुई, और सबसे बड़ी बात हुई थी उस युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन भी की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी और कुरुक्षेत्र से एक नया आगाज आएगा। उदय पान जी ने कहा था कि सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तो हैं ही, लेकिन वो कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं। पूरे के पूरे 10 लोकसभाओं में जितने भी प्रत्याशी हैं वो आम आदमी पार्टी के भी हैं और वो कांग्रेस के भी हैं। हम मिलकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस दुराचारी सरकार को, महिलाओं का अपमान करने वाली सरकार को, पहलवान बेटियों को सड़क पे घसीटने वाली सरकार को, किसान को MSP ना देने वाली सरकार को, महंगाई फैलाने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकते। गुप्ता जी,
पंजाब विधानसभा के अंदर, हरियाणा में तो आपका इंडिया गठबंधन कामयाब होता दिखाई दे रहा है, जैसे उदयमान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन पंजाब की विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, ताला लगने तक की बात। देखिए, ये इंडिया गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने के लिए। पंजाब में पहले ही बीजेपी चौथे नंबर पे है, चौथे पे भी शायद नहीं हो, पांचवें पे हो, तो वहां तो फ्रेंडली मैच खेलेंगे। वहां पे फिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बता रहा हूँ कि वहां तो फ्रेंडली मैच खेलेंगे, ये तो बीजेपी को हराने के लिए है। बीजेपी है ही पांचवें नंबर पे, उसका क्या हराना है? पंजाब में पहले आ रही हुई है। डॉक्टर साहब, जो दिल्ली में महिलाओं को सुविधा दी जा रही है, वो हरियाणा में भी दी जाएगी क्या? दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बस फ्री है, दिल्ली और पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपये महीना, 18 वर्ष से ऊपर की जो बेटी होगी, 1,000 रुपये महीना मिलेगा, वो सुविधाएं हरियाणा के अंदर भी मिलेगी। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।